वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छी बात है, ज़िंदगी में पहली बार कुछ तो मिला है। उसके बाद में गॉड सी से प्रॉक्सिमम स्टेज वन, अच्छी बात है। उसके बाद में जाना भी बोरा बोलते, अगर आप स्टेज फोर से 4 सेकंड में कर सकते हो तो 50 भी ट्राई कर लो। करने को कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे कार ख़राब हो गए। कैसे किया, अगर किसी कैरेक्टर को 200% डैमेज प्रॉक देकर लगा कर खेल तो क्या अभी मैं भी कर सकता हूँ? हाँ, कोई भी, हाँ कोई भी कर सकता है। आ गए हेटर्स। जाने दो जाने दो, इनका फायदा उठाओ। मतलब ही लोगे, इनका तो फायदा उठाना बनता है। सर वीडियो अच्छी बनी है और मेरे दोस्तों को अपडेट का इंतज़ार नहीं हो रहा है। सर क्या आप बता सकते हैं कि अपडेट अब आ सकता है और कब आ सकता है? और सर मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जिन कैरेक्टर्स को क्वांटम और एंडगेम के दोनों यूनिफॉर्म आएंगे उसमें से कौन सा बेटर होगा। आई होप आप जल्दी रिव्यू करोगे अपडेट और मैं सही यूनिफॉर्म लेंगे। हाँ ज़रूर मैं बताऊंगा। हाँ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 26 तक, क्योंकि मैं 26 को मूवी देखने वाला हूँ एंड गेम। किसी भी हालत में मैंने कहा था, मैं देखूँगा, मतलब देखूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अगर 26 के पहले गेम अपडेट आ जाता है तो, या फिर 26 तारीख को ही मॉर्निंग में अगर अपडेट आ जाता है तो मैं शाम को वीडियो बना दूंगा या फिर दोपहर को वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर। एक और चीज़, अगर 25 24 23 को आता है तो उस दिन मैं आपको सवेरे मॉर्निंग में दे दूंगा, लेकिन 25 को अगर मॉर्निंग में आता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 25 को मॉर्निंग में मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ टिकट परचेज करने के लिए, तो हो सकता है लाइन बहुत लंबी लगे रहे, उस वजह से मुझे टिकट हो सकता है मुझे लेट मिले, तो मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा टिकट हासिल करने के लिए। टिकट मिलने वाली है 25 तारीख को, वहाँ मैनुअली वहाँ पे थिएटर में। और अगर ऑनलाइन बुक करना है तो फिर 21 तारीख से पेटीएम और बाकी बुक माई शॉप वगैरह जो भी जहाँ पर वेबसाइट है या जो भी एप्लीकेशन है वहाँ पर हो रही है, तो मैं देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ। अगर 21 से मोबाइल से ही हो गई है ऑनलाइन तो वो अच्छी बात है, अगर वहाँ से नहीं हुई तो मेरे को वहाँ से पर्सनली जाके थिएटर में जाके लेना पड़ेगा 25 तारीख को सुबह मॉर्निंग में। ये देखो वीडियो किसी ने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया और यहाँ पे देखो 12 डिसलाइक। देखो मैंने कुछ उसमें अच्छा दमदार दिखाया और यहाँ पे 12 डिसलाइक। वाह, वीडियो देखने से पहले ही 12 डिसलाइक। वीडियो पूरा देखा भी नहीं होगा, 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट के वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ दिखाया है, तो वो सब चीज़ें देखने का सोचने का समझने का छोड़ के वीडियो को डिसलाइक करते हैं। ये कहाँ कहाँ से आते हैं लोग, कहाँ से ऐसे मूर्ख लोग कहाँ से आते हैं? जाने दो, जिसकी जो मर्ज़ी, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ अच्छे काम कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ।
स्नेक पिक 6 आने का है, तो स्नेक पिक 6 आने से पहले थोड़ा बहुत जो भी काम है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक और चीज़, आज थोड़ा स्नेक पिक जैसे आएगा मैं तुरंत वैसे वीडियो नहीं बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे, तो देखता कोशिश करता हूँ अगर स्नेक पिक 6 आ गया तो फिर टाइम के हिसाब से देख के मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। स्नेक पिक 6 आने का है तो देखते हम लोग वेट करेंगे। और बाकी जो कमेंट्स यहाँ पे पोस्ट है वो अभी भी डालते रहो, हार नहीं मानने। अगर हार मान ली तो जो डेवलपर्स है वो शायद हमारी मांग को पूरी न करें, मतलब CCF को फिक्स नहीं करेंगे ऐसा लगता है। तो कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहो और इनको छोड़ना नहीं है, इनके नाक में दम करना है तभी ये लोग करेंगे। और समझो कुछ प्लेयर्स अभी बोल रहे हैं, बोल ही देता हूँ मैं, जो हल्क है उसका Tier 3 आने वाला है और थानोस का भी Tier 3 आने वाला है। और गेम के 2 अपडेट आएंगे, एक फर्स्ट अपडेट जो कि 24 या 30 तारीख को आ सकता है ऐसा कुछ प्लेयर्स बोल रहे हैं, और एक अपडेट आएगा 26 तारीख को, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मटेरियल बचाने की कोशिश करो एंड CCF भी बचाओ, और गेम डेवलपर्स पे प्रेशर बना के रखो ताकि वो CCF को फिक्स करवाए, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।